बहादुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानोमाल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कौन हो तुम? काई कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। दूर खड़ा शैतान मुझ पर मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, बेशक मरने दो उस थॉमस को, उसकी मौत से ही फायदा है। ये क्या किया तुमने? तो खुद अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम सल्तनत सलजूक के हुक्मरान अलाउद्दीन कैकाबाद की जानिब से भेजे गए सफीर हैं। आपके सरदार सुलेमान शाह के लिए पैगाम लाए हैं। खुश आमदीद, सफर अच्छा गुजरा होगा आपका। मैं सुलेमान शाह को इत्तला देता हूँ। ठीक है। इसे थोड़ा और कस के बांधो ताकि ये मजबूत हो जाए, और धागों की लंबाई बराबर रखो ताकि और खूबसूरत हो जाए। इतने प्यार से पेश मत आओ उनके साथ, फायदा उठाएंगे तुम्हारी नरमी का। क्या बात है, तो गोया तुम गोपचे के मातहत काम करोगी सलजान। अपने काम से काम रखो गुरदोगलू। कहाँ है? सिपाहियों के साथ गया है मवेशियों के गाहक ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें यकीन है? दातु सारपुत के साथ सौदा हो तो गया है, खुदा करे कि ख्याल सही निकले तुम्हारा। सब खैरियत तो है कुर्दोगलू, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? इसका नाम अरसगुन है, सलजूक का सिपाही है ये, और इसका यहाँ आना यकीनन किसी गड़बड़ का पेश खेमा है। बाप तो उसका मर गया मगर भाई अब तक मुसीबत बना हुआ है, पता नहीं कब जान छूटेगी इन लोगों से।
खुदा ना करे फिर किसी मुसीबत में ना पड़ जाए हमारा कबीला इनकी वजह से। ईवा की तरह जान छुड़ा लो उससे। हलीमा सुल्तान से इतनी जल्दी जान नहीं छुड़ेगी। सरदार, सुल्तान अलाउद्दीन का सफीर आपसे मुलाकात का मुंतजिर है। अंदर बुलाओ उसे। सुलेमान शाह के मुंतजिर है। हथियार दे दे। रहने दो। खुशामदीद मेरे भाई, सफर अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुलेमान शाह, इस मुलाकात को अपनी खुशनसीबी समझता हूं मैं। खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। आपकी सेहत और कबीले के हालात पहले से बेहतर लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आजमाइशों में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, बहुत शुक्र है उसका। जी हम जानते हैं, शहजादों की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है आपको। कारा तोयगर ने जो कुछ भी किया उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। कारा तोयगर ने तो सबको मुश्किल में डाला हुआ था। उम्मीद है कि सुल्तान अलाउद्दीन मासूम शहजादे का ख्याल करते हुए किसी कारा तोयगर जैसे शख्स को नहीं भेजेंगे। वाह वाह वाह, तलवारबाजी का एक माहिर कुर्दोगलू। वैसे तुम्हारी जबान भी तलवार की तरह तेज है। सुल्तान की तरफ से यह मसला खत्म हो चुका है। खास तौर पर अर्तुरुल ने हलब में जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो काबिले सताइश है। उसने आलम इस्लाम को बहुत बड़ी खूनरेजी से बचाया है। कोनिया में हर सुबह अर्तुरुल का ही चर्चा किया जा रहा है। सुल्तान अलाउद्दीन ने यहां आपको किसी खास पैगाम के साथ भेजा होगा। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये रियासत के मामलात हैं कुर्दोगलू। सुलेमान शाह के अलावा मैं किसी को नहीं बता सकता। हाँ, ये अगर खुद आपको बता दें तो अलग बात है। हमें अकेला छोड़ दो कुर्दोगलू। जानते नहीं, कुर्दोगलों की इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता इस कबीले में। बहुत जल्द जान जाओगे तुम। कहिए, ऐसा क्या मसला पेश आ गया है? सुलेमान शाह, आलम इस्लाम बुरी तरह खतरों की जद में है। मंगोल लुटेरों का खतरा अनातोलिया की सरहदों तक तकरीबन पहुंच चुका है। इन हैवानों को लगाम डालना जरूरी है। अगर जल्द कुछ न किया गया तो अनातोलिया तबाह हो जाएगा और बहुत खून खराबा होगा। मंगोलों की बर्बरियत को भला हमसे बेहतर कौन जानता होगा? बेशक। जब हमारे भाईचारे और इत्तेहाद को फितनों ने आघेरा तो मंगोलों ने भरपूर फायदा उठाया उसका। सुल्तान अलाउद्दीन चाहते हैं दोबारा ये ताकत कायम हो। कैसे? अय्यूबियों के साथ इत्तेहाद से सुलेमान शाह। शुक्र है इत्तेहाद के दिन लौट आए। यही वक्त का तकाजा है अरसगुन, कि हम एक दूसरे की मदद करें। सुल्तान के दिल में इत्तेहाद का बीज आपके होने हर सपूत अर्तुरुल ने बोया है सुलेमान शाह। इसके सिले में आप और आपके फर्जंद के लिए सुल्तान ने नेक तमन्नाओं का पैगाम और दुआएं भेजी है। उनके भेजे गए तहाइफ कबूल फरमाइएगा। जजाकल। तोहफे तहाइफ अंदर लाए जाए।
सुल्तान अलाउद्दीन का शुक्रिया। खुश रहें। इस इत्तेहाद को देरपा बनाने के लिए रिश्तों को जोड़ना बहुत जरूरी है, और इसी बिना पर शाम की शहजादी को सुल्तान निकाह का पैगाम भिजवाना चाहते हैं। बहुत समझदारी का फैसला है ये अरसगुन। सुल्तान अलाउद्दीन ने इस तकरीब के इंतजामात मेरे सुपुर्द किए हैं, और सारा कारवान हलब शहर में मुंतजर है मेरा। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? सुल्तान इस कारवान की हिफाजत के लिए अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की मदद चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि अजीम शान दावत में आप और आपके फर्जंद से मशवरा किया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन की ख्वाहिश और दावत हमारे लिए शरफ है। अर्तुरुल सफर पर है, उसके वापस आते ही कारवां की हिफाजत के लिए उसे रवाना कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान शाह। बस एक गुजारिश और है आपसे। वो क्या है? हलीमा सुल्तान और शहजादा यगित हमारी इत्तला के मुताबिक आपके कबीले में मौजूद है। ये मुलाकात मुझे खतरे की घंटी लगती है सुलजान। तुम क्या कहती हो इस बारे में? सलजूक के सुल्तान ने इस कबीले में अपने सिपाहियों को भेजा है, वो भी अपनी राजदारी से। जरूर कोई खास बात है कुर्दोगलू। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। अर्तुरुल के सलजूक के साथ साथ हलब में भी खूब तारीफें हो रही हैं। सुल्तान ने तो ताहिब भी भेजे हैं। अर्तुरुल और उसके बाप के लिए ही होंगे यकीनन। मैं कबीले के मोअज़्ज़िज़ीन से मुंदोगदू को सरदार बनाने की बात करता हूँ, और तुम अपने शौहर को तैयार करो। बाप का साथ देने के बजाय मेरी हिदायत पर अमल करें। उसकी फिक्र ना करो तुम, सुलेमान शाह और अर्तुरुल का हर खेल बिगाड़ दूंगी मैं। आफरीन। बाबा की तरह वो लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे मार देंगे या इशारों पे चलाएंगे अपने। हमें तो बाबा की कब्र भी नहीं मालूम, वरना हम वहां जाके फातिहा ही पढ़ लेते। ऐसा ना हो कहीं मेरा हाल भी बाबा की तरह हो बाजी। अर्तुरुल के होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यकीन, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ मैं अपने लिए बाजी, यकीन करें। मगर मेरी वजह से आप पर कोई आंच आए मैं नहीं चाहता। फैसला कर लिया है मैंने। मुझे मालूम है बहुत दुख झेले हैं आपने। आपने मुझे एक दोस्त, एक बड़ी बहन और माँ बन के पाला है। मेरी पैदाइश के बाद से आपने सुख नहीं देखा कोई, बस अब बहुत हो गया। आप दोनों के लिए मजीद परेशानी का बाइस नहीं बनना चाहता मैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कि अब और नहीं देख सकता मैं आपको परेशानी की हालत में। ये कित? खुशामदीद हलीमा सुल्तान। बहुत शुक्रिया गोगची तुम्हारा। बहुत अफसोस हुआ मुझे आपके वालिद का सुनकर, लेकिन तुम्हारा भाई वो भी तो एक शहजादा है। दुआ है कि हमें मजीद किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। सलजुक के सिपाही आए हैं, कोई बुरी खबर नहीं लाए होंगे इंशाल्लाह। सुलेमान शाह ने आपको याद किया है हलीमा सुल्तान। लो बुलावा आ गया है एक नई मुसीबत का। सलजू की मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मैं यहां और नहीं रुक सकता। मेरी दुआ है कि अर्तुरुल भाई और मेरी बाजी हमेशा खुश रहें। जहन्नुम में जाओ मेरी बला से।
सुल्तान अलाउद्दीन के सफीर हैं ये, एरसगुन। सुल्तान अलाउद्दीन की जानिब से नई ख्वाहिशात का पैगाम लाया हूं आपके लिए। सुल्तान आप और आपके भाई की सलामती के लिए फिक्रमंद हैं। सुल्तान अलाउद्दीन को जब जब हमारी फिक्र लाहक हुई है, कुछ बुराई हुआ है हमारे साथ। हमारे सुल्तान आपकी खुददारी को बहुत सराहते हैं और दिल से आपकी इज्जत करते हैं हलीमा सुल्तान, और इसी वजह से आपके भाई के लिए वादी अरसियस में एक शानदार रिहायशगाह का इंतजाम किया गया है जो आपकी मलकियत होगी। शहजादे की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम किया जाएगा। सुल्तान की ख्वाहिश है कि आप शादी करके एक बेहतरीन जिंदगी गुजारें। अब आप जैसा मुनासिब समझें। मैं शहजादे के लिए सुल्तान की पेशकश पर गौर करूंगी। जहां तक मेरी बात है तो मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और सोच रखा है। सुलेमान से आपकी इजाजत हो तो मैं इस कबीले की बेटी बनकर हमेशा यही रहना चाहूंगी। मेरा सलाम कहिएगा सुल्तान अलाउद्दीन को। मुझे इजाजत दीजिए। शहजादी की यह ख्वाहिश मेरी समझ से बालातर है। की गई पेशकश का शायद उन्हें अंदाजा नहीं है। तुम अपने नाम की तरह बहुत बहादुर हो मेरे बच्चे। बस दुदार से एहतियाब हो जाए, फिर तुम दोनों मिलकर इंशाल्लाह तलवारबाजी करना। बहुत जल्द मैं तुम दोनों को नई तलवारें दूंगा अपने हाथों से बनाकर। बस तुम्हें अपनी बहन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो इस कबीले की इज्जत है और इसी तरह तुम कबीले के बहादुर बेटे। बाजी कहो मेरी जान। सुल्तान अलाउद्दीन अब हमसे क्या चाहते हैं? घबराओ मत यिगित, सुल्तान अलाउद्दीन अब हमारे दुश्मन नहीं रहे। वाह यिगित, मुबारक हो तुम्हें, अब तुम्हें किसी का डर नहीं रहा। लेकिन मेरे बाबा तो इस दुनिया से चले गए ना। लेने के लिए गए हैं। जलांधर ले चलो इसे। चल उठाओ जाओ। शाबाश, आराम से देख के जरा। तुर्कुत, तुर्कुत नहीं आया साथ? तुर्कुत कहाँ है? अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ। नकारा क्यों बज रहा है अब्दुल रहमान? वो लोग आ गए। दुआन बमसी और अफसिन पाशा जख्मी है और अर्तुरुल भाई की हालत नाजुक है। क्या हाय मां,
बहुत गहरा जख्म लगा है। हाँ हलीमा बहन, जख्म बहुत गहरा है। तेली दमीर, इब्न लरबी को बुला के ला। मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें। क्या हुआ है दुआन? बमसी, हुआ क्या है? तुरकुत क्यों नहीं आया? आज के बाद उस गद्दार का किसी ने नाम भी लिया तो जुबान खींच लूंगा, मैं कसम खाता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम बमसी? कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए तुम्हें। हमारा ये हाल सलीबियों ने नहीं किया है किस, ये सब किया धरा उसी गद्दार तुरकुत का है। ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तुरकुत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। बच्चियां बाहर जाएं। अए शिफा देने वाले, मदद कर। से जब भी मैंने उम्मीद लगाई है मायूसी हुई है मुझे। बिना बताए अपने भाई को इस हाल में ले आया। जब अब्दुर्रहमान यहाँ आया था मुझे समझ जाना चाहिए था उसी वक्त। मुझे तो इसके मरने का इंतजार था, फिर मुसीबत बनकर आ गया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, इंशाल्लाह जल्द ही खुद ही रास्ता साफ हो जाएगा। अर्तुरुल भाई पर जान निछावर करता था, ये कैसे हो सकता है? हलीमा, तुम भी जानती हो वो कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। मुझे इस सब के पीछे कुछ और माजरा लगता है। क्या हो गया है मेरे तुरकुत को? जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरा तुरकुत ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या कह सकती हूँ आकिस, मुझे तो अकेला ही जहन्नुम लगता है। न जाने कितने मासूम कैद हैं,
या लार्तर उनकी जान बचा ले, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। वो तुर्गुत की पोटियां नोचते थे तब भी वो अर्थुरुल भाई पर हाथ नहीं उठाता। या अल्लाह मैं अब क्या करूंगी? आगे सबर करो। या अल्लाह मदद कर। जख्म अगर महबूब को लगे तो दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बाजी मैंने तो हमेशा उसकी सलामती के लिए दुआएं की थी। हाँ मैं जानती हूँ गोगजे, मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकती, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? बाजी आखिर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम तो दूसरों को हिम्मत दिलाती हो, पर खुद ये मायूसी कैसी? हाँ अगर मौत उसे मुझसे दूर ले गई तो मैं भी जान दे दूंगी अपनी, उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। बाबा के बाद अब क्या मुझे अपनी मोहब्बत को भी खोना पड़ेगा? क्या यही मेरे मुकद्दर में लिखा है? अब रोना बंद कर दो मेरी बहन, कुंदोग तो उसे जिंदा वापस ले आया है। इब्नुल अरबी उसका इलाज कर रहे हैं, हमें उसके लिए दुआ करना चाहिए कि वो जल्द सेहतियाब हो जाए। बाजी मैं सोच भी नहीं सकती उसके बगैर जिंदा रहने का। परेशान ना हो, खैरियत से है वो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी सुलेमान? तुम तो बहुत बाहिम्मत हो हाइमा, तुम सिर्फ अपने बेटों की नहीं बल्कि पूरे कबीले की मां हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो मैं जंग में अपने जवानों को कैसे भेजूंगा फिर? मेरे दिल ने बहुत दुख झेले हैं सुलेमान, इसलिए ये बहुत मजबूत हो गया है अब। मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, मैं जा रही हूं उसके पास। बाबा बाबा अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? अगर वाकई तुर्कु सलीबियों का साथी बन चुका है तो फिर क्या होगा हमारा? अगर ये बात सच हुई तो अपने हाथों से तुर्कु का सर काटूंगा मैं, माफ नहीं करूंगा उसे। मैंने औलाद की तरह पाला है उसे, मेरा दिल कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता कभी भी, लेकिन जब तक इस राज से पर्दा नहीं उठता हमें बहुत कुछ सहना पड़ेगा। चाय।
Yom vereyim hanı, yerli kara dağların yıkılması. Göl gelecek kabacın kesilmesi. Kan gibi akan körklü suyun kuruması. Kanatlarının ucu kırılması. Kadir seni namerde muhtaç etmesin. Turgut ne kiya hai kya ye? Arturul jungle se तुम तीनों को जब लेकर आया था वो दिन याद है मुझे। कितने भूखे प्यासे थे, निढाल हो रहे थे। मैं कितनी परेशान हो गई थी, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला मैंने तुम्हें, लेकिन तुरखुद नहीं। ये क्या किया, क्या किया ये? हमें भी कभी मां की कमी महसूस नहीं हुई हायमा खानम, लेकिन वो हशर में उसकी गर्दन मेरे हाथ में होगी, जहन्नम की आग में चलेगा। चाल संभालो। जानते हो मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था पेट्रुशियो कि बाहुमत को कुछ टेम्पलर अपना खुदा मानते हैं और बाहुमत उन्हें हर तरह की शैतानी ताकतों तक रसाई देता है। मर्दूद जादूगरनियां उन्हें शैतान की पूजा करने पर उकसाती हैं। हमारी आंखों में आंखें डालकर जो बुजदिल हमें हरा नहीं सकते, उनके इल्जामात हमें नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। थॉमस, आंख मिलाकर लड़ने वाले एक इंसान को जानता हूं मैं, और वो है अर्तुरुल। और अर्तुरुल के मरने तक तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती मेरे दोस्त पेट्रुशियो। कार्डिनल, खैरियत से हैं आप? हाँ, बस कुछ मामूली से मसाइल हैं अवतालिया। चाहे कुछ भी करो,
इस कमसर्फ ने बाबा आजम को जो खतूत लिखे हैं वो तुम्हें पढ़ने होंगे अफ्तालिया। अगर कुछ हमारे खिलाफ लिखा हो उसने तो क्या करेंगे हम? फिर तो हमें सलीबी जाबाजों के इज्तिमा से पहले हर सूरत ठिकाने लगाना होगा इसे। आपका जो हुक्म। समझ नहीं आता कि उन मलून सलीबियों ने तुर्कुत को अपनी तरफ कैसे रागिब कर लिया। ये काफिर हमेशा साजिशों से काम लेते हैं, जंग के मैदान में सामना नहीं करते। या तो पीठ पीछे वार करते हैं और या भेस बदल कर हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। बातों के बजाय हल निकालना जरूरी है। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और हम आंसू बहाते रहेंगे? वो किला सलीबी फितनों का गढ़ बन चुका है, उनका खात्मा जरूरी है। ये मर्दूद लोग चाहे यहां हो या अयूबी सरहदों के पास, उनकी साजिशें हमारे ही खिलाफ हैं। खात्मा तो जरूरी है, लेकिन कैसे? किले पे कब्जा करना होगा हर सूरत। कैसे कब्जा करेंगे हम उस किले पर? अगर हम उस किले का मुहासरा कर भी लें तब भी वो काफिर बाहर तो नहीं आएंगे ना। वो अंदर से ही बैठकर हमें निशाना बना लेंगे। कुछ भी कर लें हमें मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहा कुतलू भाई। और ज्यादातर लोग इस हमले के हक में नहीं है सरदार। हम मैदान के सिपाही हैं हुजूर, किला फतह नहीं कर सकते। ना तो जरूरी हथियार हैं हमारे पास इसके लिए और ना ही तरबियत। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना हो जाए सरदार। मेरे ख्याल में कारा बुदक सही कह रहा है बाबा। हम लोग किला तो फतह नहीं कर सकते, लेकिन हम दूसरे तरीकों से उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो गुंदुगदू? उनके जैसे रजील और उनके जैसे शातिर कैसे हो सकते हैं हम आखिर? माशाल्लाह बहुत कुव्वत बर्दाश्त है, हिम्मत वाला है। चलो बच्चियों, अर्तुरुल के पास मैं मौजूद हूँ। तुम लोग जाकर आराम कर लो कुछ देर। जाओ शाबाश। अर्तुरुल भाई को होश आ गया जनाब, खतरे से बाहर है उनकी हालत। शुक्र है खुदा का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शातर और रजील बनने की जरूरत नहीं कर दोगे, बस जरा सी जुर्रत और जहानत के साथ। ईमान की ताकत जरूरी है दिल में। अगर इनमें से एक भी चीज छूटी तो हम में से कोई भी सलामत नहीं रह पाएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ईमान सलामत है, जुर्रत भी है और हम ज़हीन भी हैं। सरदारी की ये सब खूबियां रखने वाले गुंदुगदू पर एतबार है हमें।
और हमें यकीन है कि ये कारनामा ये बखूबी अंजाम दे सकता है। बहुत शुक्रिया चाचा जान, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में उन सलीबियों को उनके किले से हमें बाहर लाना होगा, वरना वो मजबूत किला हमारे लिए कब्रिस्तान साबित हो सकता है। मैदान में सलीबी हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखते, लेकिन वो किला सलीबियों की मजबूत पनागाह है, और अगर हमने उसको नहीं मिटाया तो उसमें छुपकर वो सलीबी चूहे शेर बने रहेंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें सलजूकों और अय्यूबियों के साथ अपने इत्तेहाद को मजबूत तर बनाना होगा। हमारा ये इत्तेहाद जितना मजबूत होगा उतनी ही जल्द और आसानी से उस किले को हम कामयाबी से फतह कर सकते हैं। इसी इत्तेहाद की सूरत में हमारा उस किले पर हमला कामयाब हो सकता है। गुंदोगदू भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया। मशवरा करने में भलाई होती है सरदार। अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। कुर्दोगलू ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हलब आने का मशवरा भी गुंदोगदू ने ही दिया था। इसी वजह से ही गुंदोगदू पे भरोसा है हमें। इन्होंने हर बार जहानत और जुर्रतमंदी का मुजाहिरा पेश किया है। बहुत शुक्रिया कारा बुधक। अर्तुरुल जब तक जिंदा है मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। वापस आ जाओ अर्तुरुल, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। उन दोनों को तुम्हें पहले मेरे हवाले करना होगा। यानी इब्नुल अरबी और शहजादा यगित। तो आपकी तिला के लिए अर्ज है कि इब्नुल अरबी तो कल रवाना हो रहा है, और उसके साथ एक दरवेश के अलावा और कोई नहीं होगा। बेहतरीन। अगर चचा गद्दार है तो सलीबियों को मुखबरी करके जरूर मेरे लिए जाल बिछाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मारना मेरा हक होगा। अगर तुर्गुत ने हकीकत में ऐसा किया है तो उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगी।